हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास वीवो का एक फ़ोन है जो मेरा ये काफ़ी हैंग कर रहा है, बहुत ही फंस रहा है। मैं जैसे इसको मैं यूज़ करता हूँ तो ये जो फ़ोन है काफ़ी फंसने लगता है और ये काफ़ी यहाँ पर हैंग करने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपका भी यहाँ पर काफ़ी हैंग करता है या फंसता है तो आप चाहते हैं कि वीवो के फ़ोन को फॉर्मेट करना, तो किस तरीका से फॉर्मेट किया जाता है, तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप को ये जो वीवो का फोन है इसको रीस्टोर करके दिखाने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको लाइव प्रूफ के साथ सेटिंग करके भी दिखाने वाले हैं ताकि आप फिर जब यहाँ पे नया परचेज किए थे उसी तरीका से आपका यहाँ पे फिर से यहाँ पे नया हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को इसी पे मैं बात करने वाले हैं कि आप अपने वीवो को फोन को फॉर्मेट यानी कि रीस्टोर किस तरीका से कर सकते हैं। हमारे पास ये जो फोन है वीवो का 1938 मॉडल नंबर मेरे पास ये फोन है, मैं इसको लाइव प्रूफ के साथ फॉर्मेट करना चाहता हूं आज के इस वीडियो में, ताकि आज के इस वीडियो से हेल्प से अगर आपके पास भी ये जो फोन है वीवो का या फोन का कोई भी यहां पे एंड्रॉइड कोई भी फोन है वीवो का तो आप लोग इस तरीका से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने वीवो फोन का सेटिंग में ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां पे एक ऑप्शन है गूगल का, गूगल पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए गाइस, यहां पे मैं गूगल पे क्लिक कर दिया हूं। गूगल पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपका गूगल अकाउंट सबसे पहले लॉगिन रहेगा, इसको आपको फाइनली लॉग आउट कर लेना है ताकि आपको फॉर्मेट करने में और जब फॉर्मेट हो जाएगा तो उसको सेटिंग करने में आप लोग को दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं ऑलरेडी इसको फाइनली मैं इसको यहां पे लॉग आउट कर दिया हूं। मैं अपने गूगल अकाउंट को लॉग आउट करने के बाद फाइनली आपको बैक आना है। बैक आने के बाद सिंपली आपको अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेना है। मोबाइल का सेटिंग ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है सिस्टम मैनेजमेंट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं स्क्रॉल डाउन कर लेना है और नीचे एक ऑप्शन है देख सकते हैं बैकअप एंड रीसेट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें यहाँ पे देख सकते हैं बहुत जब बंदा यहाँ पे खुद का यहाँ पे खुद से फोन फॉर्मेट करता है तो इसी में कन्फ्यूज हो जाता है कि बैकअप डाटा, रीस्टोर डाटा, रीसेट नेटवर्क सेटिंग, रीसेट ऑल सेटिंग और यहाँ पे इरेज ऑल डाटा। तो दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे फॉर्मेट करते हैं अपने फोन को तो यहाँ पे देख सकते हैं इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको यह बात ध्यान रखना है कि अगर आप अपने फॉर्मेट करते हैं यहां पे फोन को तो आपके मोबाइल में जो भी इंपॉर्टेंट डाटा वगैरह होगा अपने फोन में दूसरे में रख लेना है, नहीं तो अदरवाइज आपका टोटल चीज आपका डिलीट हो जाएगा, वो को कभी भी आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो आप जब भी अपने फोन को यहां पे करेंगे यहां पे फॉर्मेट तो अपने डाटा को कहीं अच्छी जगह पे रख लेंगे और ये फोन में नहीं रखेंगे ताकि आपका डिलीट ना हो। तो आइए दोस्तों, इस तरीका से आना है। आने के बाद इरेज ऑल डाटा पे आपको क्लिक कर लेना है। इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन है, यहां पे देख सकते हैं फॉर्मेट फोन रिस्टोर यहां पे लिखा हुआ, इस पे आपको टिक कर लेना है। फॉर्मेट फोन स्टोरेज, उस पे टिक कर लेना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है क्लियर नाउ का, एक ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप अपने फोन में जो यहां पे पैटर्न लगा है वो पैटर्न को यहां पे डालना है। डालने के बाद यहां पे नीचे 5 सेकंड वेट कर लेना है। इरेज ऑल डाटा, आपका जितना भी पर्सनल डाटा होगा टोटल चीज आपका यहां पे खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मुझे खत्म करना है क्योंकि मेरा फोन काफी हैंग कर रहा है, यहां पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद सिंपली यहां पे देख सकते हैं कुछ देर वेट कर लेना है क्योंकि ये जो है यहां पे इरेजिंग हो रहा है। इरेजिंग होने के बाद ऑटोमेटिक ये फोन जो बंद हो जाएगा। गाइस, यहां पे देख सकते हैं बंद हो चुका है। बंद होने के बाद सिंपली यहां पे कुछ देर वेट कर लेना है क्योंकि इसके अंदर में जो भी वायरस होगा या जो भी यहां पे इसके अंदर में जो डाटा होगा टोटल चीज यहां पे क्लियर कर देगा और फिर से आपका यह फोन नया हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं हमारा फोन ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है। मैं यहां पे वेट कर लेता हूं। करने के बाद सिंपली हमारा वीवो का फोन यहाँ पे रेडी हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लियरिंग डाटा, यहाँ पे देख सकते हैं फिर से यहाँ पे बंद हो चुका है। फिर आपको यहाँ पे ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वीवो का यहाँ पे मेरा फोन है और पावर्ड माई एंड्रॉयड मेरा फोन है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छोड़ देता हूँ कुछ देर के लिए क्योंकि जो डाटा जितना भी है सब क्लियर हो रहा है। कुछ देर वेट करना है क्योंकि ये थोड़ा लेट से ओपन होगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये फोन फाइनली यहाँ पे मेरा फॉर्मेट हो चुका है। फॉर्मेट होने के बाद सिंपली वेलकम दिखा रहा है। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है सेटअप योर फोन, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए गाइस, मैं क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद अपना यहाँ पे लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। चलिए दोस्तों, मुझे इंग्लिश आता है, इंग्लिश को मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना लोकेशन सेलेक्ट करना है। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मैं इंडिया को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हूँ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना है।
एग्री पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन है, सबसे ऊपर देख सकते हैं स्किप का एक ऑप्शन है, स्किप पे क्लिक कर देना है। स्किप पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये फोन ऐसे है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन है एक्सेप्ट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली आपको अपना टाइम को ये चाहे तो सेट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं स्किप पे क्लिक कर देता हूँ। स्किप पे क्लिक करने के बाद नीचे एक नेक्स्ट का एक ऑप्शन है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एस्किप पे क्लिक कर देना है। एस्किप पे क्लिक कर देना है, जो भी परमिशन आपसे एस्किप मांगेगा आपको एस्किप ही करना है। एस्किप करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन योर फोन हैज बीन सेट अप, यहाँ पे न्यू नाउ पे क्लिक करना है। यूज नाउ पे क्लिक करने के बाद गाइस फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोन फाइनली फॉर्मेट हो चुका है, और यहाँ पे फाइनली मैं सेटिंग भी कर लिया हूँ और यहाँ पे मेरा फोन फॉर्मेट हो चुका है। अब जैसे मैं जिस टाइम में नया फोन में परचेज किया था उस तरीका से मेरा नया फोन यहाँ पे आ चुका है, नया फोन हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग इसी तरीका से अपने कोई भी वीवो फोन को यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले कोई भी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं।